मंच पर सबसे वरिष्ठ और नेताजी के गुरु आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित कवित्री आदरणीय सरिता जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी, कई बार विधानसभा में स्पीकर रहे आदरणीय माधव प्रसाद पांडे जी, नेता प्रतिपक्ष पूर्व में रहे आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, यहां से विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, मंच पर बहुत वरिष्ठ सभी समाजवादी नेता, यहां पर विधायक सांसद पूर्व विधायक पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित, सभी कार्यकर्ता साथी, माताएं बहनें और प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं और विशेष मैं बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो बड़ी देर से यहां बैठ करके जो भी पार्टी के बारे में और नेताजी के बारे में बात रखे हैं बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आज जब हम पहले ही बार यहां पर मिल रहे हैं और जयंती मना रहे हैं, उस समय नेताजी हमारे बीच नहीं है, हम सब उनको याद करते हैं और जो हमारे पुराने साथी हैं उन्होंने नेताजी के साथ रह करके पूरा का पूरा जीवन का संघर्ष देखा है। आज जहां हम लोग बैठे हैं या आसपास जो विकास दिखाई दे रहा है, ये सब नेताजी की देन है। मुझे याद है इस पंडाल में कई कार्यक्रम हुए हैं और एक समय ऐसा था कि हर वर्ष सैफई महोत्सव का आयोजन यहां पर होता था। यहां पर जो लोग पुराने हैं वो जानते होंगे कि एक बार नेताजी ने यहां पर सैफई महोत्सव के कार्यक्रम के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का फैसला लिया था और उसी साल इतनी बारिश हुई कि जो पंडाल लगा था वो पंडाल पूरा का पूरा ढह गया था और सभी कलाकार आ चुके थे जिन्हें कार्यक्रम करना था, लेकिन लग ऐसा रहा था कि बारिश हो रही है, पंडाल गिर गया है, तो आखिरकार कार्यक्रम कैसे होगा। उस समय फिल्म इंडस्ट्री के ही नहीं बल्कि और बड़े बड़े कलाकार थे, जब देखा उन्होंने यहां की स्थिति तो उन्होंने कहा कि कैसे कार्यक्रम हो पाएगा, लेकिन जब नेताजी ने सब लोगों से बातचीत की तो यहां पर लोगों को याद होगा कि उस दिन पूरी रात बारिश हुई, उसके बावजूद भी कलाकार हटे नहीं, पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ। और कार्यक्रम जब खत्म हो गया उसके बाद जब नेताजी ने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि इस बार तो बारिश में कार्यक्रम हुआ है, लेकिन जब अगली बार कार्यक्रम होगा तो बारिश का भी सामना करने के लिए पक्की पंडाल बन जाएगी और जिस पंडाल के नीचे हम लोग बैठे हैं ये नेताजी की देन है जो आज इतनी बड़ी पंडाल हम लोगों को मिल पाई है। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में अगर हम उठा करके देखें, नेताजी ने ऐतिहासिक काम किए हैं, उस ऊंचाई तक ले गए जिसकी हम और आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। फौज के लोग वो जानते होंगे, नेताजी जब डिफेंस मिनिस्टर बने उस समय जो शहीद फौजी होते थे उन्हें सम्मान नहीं मिलता था, वो घर पूरे सम्मान के साथ नहीं आते थे। जब नेताजी को ये जानकारी हुई और नेताजी डिफेंस मिनिस्टर बने, उसी समय उन्होंने फैसला लिया कि अगर हमारा जवान देश की रक्षा करते हुए अगर शहीद होता है तो उस जवान को पूरे सम्मान के साथ उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। अगर आज शहीद गांव पहुंच रहे हैं पूरे सम्मान के साथ तो वो नेताजी की देन थी। ये दो तीन चीजें ही नहीं बल्कि पूरे समाजवादी आंदोलन को खड़ा कर दिया, पार्टी उन्होंने बनाई और आज जिस पार्टी के बीच में हम और आप लोग काम कर रहे हैं ये उन्हीं की देन है। और सच्चाई तो यही है कि आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि जो नेताजी ने रास्ता दिखाया समाजवाद का,
जो जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का, उस रास्ते पे चल करके हम समाजवादी आंदोलन को और ऊंचाई तक ले जाने का काम करें और संकल्प लें कि जो सपना नेताजी ने समाज के लिए देखा था, जो सपना हमारे गरीबों के लिए देखा था, जो सपना हमारे तमाम उन लोगों को जो आजादी के बाद जो अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए सपना देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग एक एक दिन लगा करके नेताजी का सपना पूरा करें। जहां नेताजी ने समाजवाद सिखाया वहीं भाईचारा से लेकर के सौहार्द की राजनीति क्या होती है उसको भी रास्ता दिखाने का काम किया। इसलिए आज के दिन जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो यही संकल्प लें कि समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाएं, ऊंचाई तक ले जाएं, जो उनका सपना था वो हम पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी लोगों का जो सामने हैं उनका धन्यवाद देता हूं, बच्चों को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं और आए हुए मंच पर नेता लोग उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज नेताजी के कार्यक्रम में हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि नेताजी ने जो काम आगे बढ़ाया था उन कामों को भी आगे बढ़ाएंगे और अगर हमें सैफई महोत्सव जिस तरीके से नेताजी मनाते थे और कार्यक्रम चलाते थे, आने वाले समय में अगर सैफई महोत्सव हमें शुरू करना पड़ेगा तो हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।